नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए साइंस की क्लास लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड। और इसमें हमने दो टॉपिक्स को पढ़ लिया है। दो टॉपिक्स का मतलब, एक तो हमने पढ़ लिया था कि न्यूट्रिशन, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो पढ़ लिए थे, और साथ साथ हमने न्यूट्रिशन का पूरा मोड जो होता है अमीबा में, न्यूट्रिशन का जो मोड होता है ह्यूमन में, ये हमने पूरी स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है बाहर हो जाता है। ये पूरा हमने प्रोसेस लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, आप ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, जिससे कि आपका सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। और जब ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो एमसीक्यू लेकर आ जाऊंगा, जिसे आप अटेम्प्ट करना कि आपकी कितनी बेहतर तैयारी हुई है इन वीडियो को देखकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आपको ये वीडियो अच्छी लग जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन सिर्फ इतनी चीज़ नहीं होती जो आपने बचपन में पढ़ी है कि गैसों का एक्सचेंज करना, गैसों को अंदर और गैसों को बाहर छोड़ने वाली प्रोसेस को ही सिर्फ रेस्पिरेशन नहीं कहते। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है जब हमारी सांस जाती है अंदर, अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन का जो भी यूज़ होना होता है वो हो जाता है, उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वो बनने के बाद बाहर निकल जाती है, तो ये पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। याद रखिएगा, रेस्पिरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? तो रेस्पिरेशन में गैसों का एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, साथ साथ हमारे जो गैसेस लंग के लास्ट पार्ट तक पहुंचती हैं, पहुंचने के बाद ब्लड से उनका इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज होने के बाद ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से एक्सचेंज होकर लंग्स से होते हुए हमारी नेजल कैविटी से बाहर निकल आती। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। याद रखिएगा, रेस्पिरेशन जो बचपन में हमने पढ़ा है कि गैसेस का एक्सचेंज करना रेस्पिरेशन होता है, सिर्फ इतनी बात नहीं होती, याद रखेंगे। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमें हमारे खाने के बाद, जो हमने खाना खाया, खाने के बाद जो हमें एनर्जी मिली, उस एनर्जी को किस तरीके से हम यूज़फुल एनर्जी में तोड़ेंगे, यूज़फुल एनर्जी मतलब एटीपी की फॉर्म में तोड़ेंगे, जिससे कि हमारी बॉडी उसका यूज़ कर पाए। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन कराने के बाद एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी को हम यूज़ करेंगे। वो एनर्जी ही क्या है? एटीपी के फॉर्म में हमारे यहाँ पर बनती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट यूनिट। क्या? एडीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट यूनिट। ये नहीं, ये तो एडीपी की है, ये लिखी हुई एडीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट यूनिट। ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो आंसर होगा एटीपी होती है। एटीपी बाद में और टूटती है, एडीपी बनता है और एनर्जी रिलीज करता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस अभी आपके लिए नहीं है, सिर्फ आप इतनी बात ध्यान रखेंगे जो मैंने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बताई उसे। अब रेस्पिरेशन होता है, आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, इस वाली स्लाइड को आगे बढ़ता हूँ। देखिए, रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। क्या? कि गैसों का एक्सचेंज वाला भी बताऊंगा थोड़े टाइम बाद, ठीक है। हमारे पास रेस्पिरेशन दो टाइप का होगा। रेस्पिरेशन का मतलब जो हमारे पास ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज दो तरीके से टूटेगा। कैसे टूटेगा? एक तो तब टूटेगा, हमारी बॉडी की बात कर रहा हूँ अभी, एक तो तब टूटेगा जब आप ऑक्सीजन को आराम से ले रहे हैं, लेने के बाद नॉर्मली आपका काम चल रहा है। जैसे कि इस समय पर मेरे जो ग्लूकोज टूट रहे होंगे, वो कैसे टूट रहे होंगे? वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट रहे होंगे। इस समय पर बहुत ज़्यादा एनर्जी फॉर्म होती है। अगर मैं बात करूँ तो 38 ATP एनर्जी एक ग्लूकोज से मिल रही होती है इस समय पर, कब? जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। लेकिन एक टाइम आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन के समय पर, जब मैं बहुत तेजी से भाग रहा हूं और इतनी ज्यादा स्पीड में अपनी कर लूं कि मेरे पैर में दर्द होने लग जाए,
तो उस टाइम पर क्या हुआ, उस टाइम पर भी मेरी बॉडी ने एनर्जी बना ली ग्लूकोज से, लेकिन उस समय पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, तो मेरी बॉडी ने उस समय पर लैक्टिक एसिड बनाकर एनर्जी बनाई है। लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे मसल्स में दर्द होने लग जाता है अचानक से, लेकिन थोड़े टाइम बाद सही भी हो जाता है। तो हमारी बॉडी में दो तरीके से रेस्पिरेशन होता है, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के समय पर, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन के समय पर। कब? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, देखिए ग्लूकोज टूटता है, इसकी एक और अच्छी सी स्ट्रक्चर है, यहां पर देखिए ये अच्छी सी स्ट्रक्चर है, यहां पर देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे टूट जाएगा पाइरुवेट में। किस में टूटेगा? पाइरुवेट में। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का, पाइरुवेट होता है 3 कार्बन का। तीन कार्बन का टूटने के बाद हमारी बॉडी में दो तरीके से रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन वाला ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। एक होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन के समय पर, एक होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के समय पर। एक लैक ऑफ ऑक्सीजन के समय पर और एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के समय पर। जब प्रेजेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो उस टाइम पर क्या होगा, हमारा जो पाइरुवेट तीन कार्बन की एक स्ट्रक्चर है वो किस में टूट जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगी, पानी में टूट जाएगी और साथ साथ एनर्जी बन जाएगी। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो बनती है वो इसी समय पर बन रही होती है, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के समय पर ही बन रही होती है। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है नॉर्मली, अभी जो इस समय पर मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरे दर्द नहीं हो रहा बॉडी में, बॉडी में कहीं भी लैक्टिक एसिड जमा नहीं हो रहा, मतलब इस समय पर यही रिएक्शन हो रही होगी। मतलब जब ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटता है तो कहाँ टूटता है, तो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में टूटता है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है ये वाली प्रोसेस आप समझ गए होंगे, लेकिन दूसरी प्रोसेस होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन के समय पर। जब हमारी मसल्स पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होगी तब क्या होगा, तो उस समय पर क्या होगा, हमारी मसल को तो एनर्जी चाहिए, तो जब मसल को एनर्जी चाहिए तो मसल क्या करेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के समय पर लैक्टिक एसिड बना लेगा और साथ साथ एनर्जी बन जाएगी, जिससे कि हमें उस समय पर एनर्जी मिल जाएगी। ये दोनों रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं। याद रखिएगा, ग्लूकोज पाइरुवेट में साइटोप्लाज्म में टूटता है, पाइरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में करता है, और जब लैक्टिक एसिड बनता है तो वो हमारी मसल में हो रहा होता है रिएक्शन का प्रोसेस। लेकिन एक और कंडीशन है, ये तो वो कंडीशंस हैं जब कभी ना कभी, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन तो मिल ही जाएगी उस जगह को, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन होती है जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन परमानेंटली होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज को टूटना होता है, तो वो हमारी बॉडी में नहीं होता, वो कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। आपने फंगस सुना होगा, फंगस में होता है। तो फंगस में ग्लूकोज कैसे टूटेगा, ग्लूकोज इथेनल में टूट जाएगा। पहले पाइरुवेट टूटेगा, पाइरुवेट में टूटने के बाद इथेनल में टूट जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी हमें एनर्जी मिलेगी और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं। अब मैं पीछे थोड़ा चलता हूँ, वहाँ से आपको क्लियर करता हूँ। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, दो तरीके के हमारे रेस्पिरेशन होते हैं। एक एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज पहले पाइरुवेट में टूटेगा, पाइरुवेट में टूटने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, है ना। तो ये कहाँ होता है प्रोसेस, ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना हमारी साइटोप्लाज्म में होगा, पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये रेस्पिरेशन का काम है और ये एरोबिक रेस्पिरेशन का काम है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है, एक तो हमारी मसल में होता है। मसल में कैसे होगा, हम ग्लूकोज टूट जाएगा पहले पाइरुवेट में, पाइरुवेट बाद में टूट जाएगा लैक्टिक एसिड में, और पाइरुवेट आपको पता है हमारे सेल की किसमें, साइटोप्लाज्म में टूटता है, और लैक्टिक एसिड किसमें बनेगा, हमारी मसल्स में बनता है ग्लूकोज। और हाँ, अब जब एक और रिएक्शन है जो कि एनरोबिक रिएक्शन है, हमारी बॉडी में नहीं होती, कहाँ होती है, ईस्ट में होती है। ग्लूकोज से पहले पाइरुवेट टूटेगा, पाइरुवेट से फिर कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ये कहाँ पर होती है, ये ईस्ट में आपको मिलेगी, कहाँ पर, ईस्ट में आपको मिलेगी, ध्यान रखिएगा।
तो पाइरूवेट कहाँ बनेगा? साइटोप्लाज्म। और उसके बाद जो हमारा पाइरूवेट है, पाइरूवेट से कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा, इथेनल बनेगा, और एनर्जी ये कहाँ होगी? तो ईस्ट में होती है, ठीक है। तो ये दो तरीके का हमारा रेस्पिरेशन मैंने हो सकता है आपको समझाने की कोशिश की है और आपको समझ भी आया होगा, क्योंकि ये आपके जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है। चलिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको गैसों का एक्सचेंज बता देता हूँ किस तरीके से हमारे लंग्स में पहुँचती है। देखिए, हमारे नेजल कैविटी से हम सांस को लेते हैं, लेने के बाद अब हमारी सांस छनती है, प्लस हमारे वैक्स के माध्यम से जो भी हमारे अगल बगल के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो यही रह जाते हैं, और जाने के बाद अंदर पहुंचते हैं फेरिंग्स में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया है, कि फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट है जो कि मुंह, माउथ और नेजल कैविटी को कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर पहुँची हमारी जो एयर है। पहुँचने के बाद हमारे पास एक है जिसको आपने एडम एप्पल बात पहले पढ़ा करते थे, जिसको लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स क्या है? ये एक प्रकार की मसल है जो हमें साउंड निकालने में मदद करती है। क्या है ये? ये एक प्रकार की मसल है जो हमें साउंड निकालने में मदद करती है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक। उसके बाद हमारे पास ऐसे छल्ले बने हुए हैं, ऐसे छल्ले छल्ले के हिसाब से हमारे पास एक ट्रैक बना हुआ है जिसको हमने नाम दिया है ट्रैकिया। क्या नाम दिया है? ट्रैकिया। आप यहां पर देख सकते हैं, इससे पूरा एक पाइप बन गया जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। अब ये ट्रैकिया बाद में दो पार्ट में टूट जाता है। दो पार्ट में टूटने के बाद हम इसको क्या कहेंगे? इसको ब्रोंकियोल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल्स। देखिए, ब्रोंकियोल्स है। उसके बाद ये और छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, उसके बाद जब ये टूटने के बाद बिल्कुल लास्ट पोजिशन पर, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल लास्ट पोजिशन पर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। तो ये क्या है? ये होता है एल्वियोलाई। क्या होता है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? ये लास्ट पार्ट ऑफ लंग है जहां से गैसेस का एक्सचेंज ब्लड वेसल के बीच में होता है। ध्यान रखिएगा, गैसेस का एक्सचेंज ब्लड वेसल के बीच में कहां होता है? तो आप कहोगे एल्वियोलाई में ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी गैसों का एक्सचेंज, मतलब अंदर जाना और बाहर जाने का ट्रैक पूरा फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, और यहाँ पर थोड़ा सा बताने की भी कोशिश की है, लिखा हुआ है पूरा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ से हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हमारी एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में जो हमें मटेरियल या फिर न्यूट्रिशन या फिर कोई और जो पार्टिकल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, उस पूरे मेथड को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? तो आंसर होगा ब्लड। ब्लड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में सबसे मेनली काम कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड में भी अगर बात करें तो, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, ब्लड करेगा और दूसरा कौन करेगा? तो सिंपल सी बात है, आर्टरी ब्लड किसी पाइप के थ्रू तो वहेंगी ना, तो उस पाइप को, उस वेसल को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। उस पाइप को एक तो हमने आर्टरी कहा है, एक हमने वेन कहा है, और एक हमने कैपिलरीज कहा है। देखिए, आर्टरी क्या होता है? देखिए, हमारे पास मान लीजिए मेरा ये हर्ट है, मैं इस तरीके का बना रहा हूँ, इसको माइंड मत कीजिएगा। अब अगर इसके अंदर जो वेसल्स आएंगी तो उसको हम कहेंगे वेन। अंदर आने का मतलब मान लीजिए ब्लड यहाँ से आ रहा है और आने के बाद हर्ट में पहुँचा, तो हर्ट तक ब्लड को लाने वाली वेसल्स को हम क्या कहेंगे? वेन। और हर्ट से ब्लड को ले जाने वाली वेसल्स को हम क्या कहेंगे? आर्टरी। समझ पाए? हर्ट के अंदर ब्लड लाने वाली को हम कहेंगे वेन, और हर्ट से बाहर ले जाने वाली वेसल्स को हम क्या कहेंगे? आर्टरी, ठीक है। अब कैपिलरीज क्या है? तो कैपिलरीज इन आर्टरीज को या इन वेन्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब छोटी छोटी वेसल्स में जब कन्वर्ट हो जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं यही आर्टरी और यही वेसल्स, तो उनको हम कहते हैं कैपिलरीज। क्या कहते हैं? उनको ही हम कैपिलरी। देखिए, आप अपनी टंग के नीचे अगर देखेंगे तो छोटी छोटी नसें हैं, आँखों के इधर देखेंगे तो छोटी छोटी नसें हैं, वो छोटी छोटी बहुत पतली पतली जो नसें हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये तीनों समझ आ गई होंगी। ये
तीनों ये जो चारों हैं, ये चारों हमारी बॉडी में ब्लड, चारों हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं या ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती हैं। कैसे होगा मैं यहाँ बताता हूँ, लेकिन एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। आर्टरीज क्या होता है, कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। मैंने बताया हर्ट से जो वेसल्स को लेकर जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, आर्टरी। जो हर्ट के अंदर ब्लड लेकर आएंगे उसे हम क्या कहेंगे, वेन। अब सोचिए हर्ट से अगर बॉडी पार्ट में ब्लड जा रहा है तो कैसा होगा वो, आप कहोगे कि लंग का यूज करके हम उसको प्योर कर देंगे। प्योर का मतलब उसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा। तो आर्टरीज में मेनली ये कहा जाता है कि प्योर ब्लड बहता है। प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ऑक्सीजिनेटेड का मतलब उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। अनप्योर का मतलब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, वेन्स क्या होती हैं, कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी टू हर्ट। मतलब ऑल पार्ट ऑफ बॉडी से हर्ट में जो ब्लड आता है, सिंपल सी बात है, वो अनप्योर होगा। अनप्योर का मतलब क्या, अनप्योर का मतलब डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजिनेटेड का मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीजन कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। तो ध्यान रखिएगा यहां पर मैंने आपको अनप्योर और प्योर ब्लड के बारे में बताने की कोशिश की है। देखिए ये हमारा हर्ट है, हर्ट के बारे में मैं आपको पूरी स्ट्रक्चर बताता हूँ, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से हमारा क्या क्या हो रहा होता है। मैं ना इससे समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं ऐसा एक आर्टिफिशियल जो बचपन में हम लोग बनाया करते थे उस वाले हर्ट को बना देता हूँ। अब यहाँ से मैं आपको समझा सकता हूँ बहुत आसानी से, यहाँ कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो इसलिए ऐसा बना लिया है। लेकिन हमारा हर्ट होता इस तरीके का है। देखिए अब ये हर्ट है, यहाँ पर ये मैं तीन गोले बना रहा हूँ, ये तीन गोले जो मैंने इधर बनाए हैं ये क्या कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं। आपको पता है हमारा जो हर्ट है वो चार भागों में टूटा हुआ है। चार भाग कौन कौन से, ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं ऑट्रियम, नीचे वाले भाग को कहते हैं वेंट्रिकल। क्या बोला मैंने, ऊपर वाले भाग को हम कहेंगे ऑट्रियम, नीचे वाले भाग को कहेंगे वेंट्रिकल। मैं आपको दिखाता हुआ अभी साइड में चलूंगा, ठीक है। तो नीचे वाले को हम कहेंगे वेंट्रिकल, ऊपर वाले को कहेंगे ऑट्रियम। तो यहाँ पर यहाँ के ऑट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में तीन गोले बने होते हैं। तीन गोले का मतलब तीन गेट बने होते हैं। ये तीन गेट को हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्योंकि तीन है इसलिए ट्राइकस्पिड वॉल्व, मतलब ये कसके बंद होते हैं तभी एक आवाज आती है। ये आवाज कौन सी होगी, आपने सुना होगा लुप डुप। तो सबसे पहली साउंड हमारे हर्ट में कौन सी होती है, तो आपको बताएं डुप होती है, फिर लुप होती है, ठीक है। अब कहां से बनेगी वो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। यहां पर भी हमारे ऑर्टियम को और वेंट्रिकल को पैक अलग करने के लिए वॉल लगे हुए हैं, गेट लगे हुए हैं। अब आप कहोगे इधर आपने दो बनाए हैं, देखिए इस तरफ दो ही होते हैं तो इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। इधर वालों को ट्राइकस्पिड वॉल्व, इधर वालों को बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। हमारे पास ये जो हर्ट है, हर्ट आप सोचिए इस तरीके से आपके यहाँ पर है, तो आप खुद सोचिए कि ये आपका राइट पार्ट होगा और ये लेफ्ट पार्ट होगा, है ना। तो इसको हम कहेंगे राइट ऑर्टियम, इसको हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल, इसको हम कहेंगे लेफ्ट ऑर्टियम, इसको कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैं आपको नाम थोड़े से दिखा दूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल आपको दिख रहा है, इसी तरफ तो दिख रहा है, और यहां पर आप राइट लेफ्ट ऑर्टियम भी देख पा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप देखते रहिएगा, ये देखा राइट वेंट्रिकल और राइट ऑर्टियम, सब कुछ आपको दिख रहा होगा। अब मैं प्रोसेस शुरू करता हूं। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक बहुत बड़ी सी वेसल आती है, इस वेसल, ये वेसल पूरी बॉडी से ब्लड को हर्ट में लेकर आ गई। अब हर्ट में लेकर आ गई तो इस ये जो ब्लड होगा कैसा होगा, आप कहोगे अनप्योर होगा, आप कहोगे डीऑक्सीजनेटेड होगा, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगी। अब बहुत कम होगी, यहां पर ब्लड लेकर आ गई है, इसको हम वेन कहेंगे। ये एक प्रकार की वेन है, सोचिए वेन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है। पूरी बॉडी से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर कहां डाल देती है, आप कहोगे ये डाल देती है हर्ट में। तो इसका नाम स्पेशल दे दिया गया है जिसको हमने कहा है वेना केवा। देखो आप देख पा रहे होंगे वेना केवा दिख रहा है यहां पे, तो सुपीरियर वेना केवा लिखा होगा, दिख गया
तो सुपीरियर वेना केवा, मतलब वेना केवा हमने इसका नाम दिया है, ठीक है। उसके बाद जब ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हो गया और फिर उसके बाद ब्लड नीचे आ जाता है, नीचे आ गया, नीचे आने के बाद अब पंप होगा, हम मतलब हार्ट हमारा धड़केगा। जब धड़केगा तो ये गेट इस तरीके से वी स्ट्रक्चर के होते हैं, कुछ इस टाइप से, इस टाइप से हैं। जब ऊपर की तरफ ब्लड का प्रेशर पड़ेगा तो ये बंद हो जाएंगे। जब बंद होंगे, गेट हमेशा बंद होने पर क्या होता है, तो आप कहोगे आवाज़ आती है, कैसे? देखिए, कभी आपने यूँ घुमाकर खोलने वाले गेट को देखा है? मेरे पास ये सामने लगा हुआ है, देखिए मैंने खोल दिया, आवाज़ नहीं आई, लेकिन अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, सुनिएगा ज़रूर, आवाज़ आई, आवाज़ आई, देखिए खोल रहा हूँ, आवाज़ नहीं आएगी, नहीं आई आवाज़। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ गेट को, सुनिएगा, आवाज़ आई। मतलब जब गेट बंद होता है तो आवाज़ आती है। अब ये, अब क्योंकि दोनों गेट टकराए आपस में, तो ये आवाज़ कौन सी होगी? ये आवाज़ डुप की आवाज़ होगी। किसकी? डुप की, लुप डुप होता है ना, तो डुप की आवाज़ होगी। तो पहली साउंड हमारे हर्ट की कौन सी होती है? डुप, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। अब यहां से हमारे पास वेसल्स, वेसल्स ब्लड को लेकर जाएंगी। जब वेसल्स ब्लड को लेकर गई तो ये वेसल्स कौन सी होंगी? ये हमारे हर्ट से बॉडी पार्ट में ब्लड को लेकर जा रही हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसको आप कहोगे आर्टरी। क्या कहोगे? आर्टरी। लेकिन आर्टरी आपने पढ़ी है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, साफ ब्लड को लेकर जाती हैं। क्या अभी तक ब्लड साफ हुआ? क्या अभी तक ब्लड साफ हुआ? आप कहोगे नहीं हुआ साफ, नहीं हुआ। तो ये ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि इसको नाम अलग सा देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। यहां पर मैं आपको नाम भी दिखा दूं, ये दिख रहा होगा आपको, पल्मोनरी आर्टरी का, पल्मोनरी आर्टरी। अब यहीं पर लंग मिल जाएगा, लंग में ब्लड हुआ साफ। ब्लड साफ होने के बाद ये दोबारा से ब्लड आर्टरी दोबारा से जो वेसल्स हैं ये हमारे लंग हर्ट तक पहुंचा देंगी ब्लड को। अब सोचिए, हमारे बॉडी पार्ट से हर्ट में जो ब्लड लेकर आती हैं वेसल्स, उसको हम क्या कहते हैं? तो आप कहोगे वेंस कहते हैं। लेकिन वेंस की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि वो डी ऑक्सीजनेटेड, मतलब खराब ब्लड को हमारे हर्ट तक लेकर आती हैं। क्या ये खराब ब्लड है? लंग में तो ये साफ हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंस लेकर आ रही हैं, तो इसको नाम अलग देना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या होगा? पल्मोनरी वेन। क्या होगा? पल्मोनरी वेन, क्योंकि अपनी जो कैरेक्टर से बिल्कुल हटके काम कर रही है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया हमने? पल्मोनरी वेन। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। आगे दिखा, आगे फंक्शन की बात करते हैं। ब्लड हमारा नीचे आया, फिर यहाँ पर दो गेट लगे हुए हैं। नीचे वाला जब पंप करेगा तो उसके बाद ये गेट फिर से बंद हो जाएंगे। जब फिर से गेट बंद होंगे तो फिर आवाज़ आएगी। क्या? डुबकी आ चुकी है, लुपकी आ जाएगी। तो डुप लुप हमारे उसमें आवाज़ आती है। दो साउंड्स इन गेट के बंद होने की वजह से आती हैं। उसके बाद फिर हमारा ब्लड पूरी बॉडी में यहाँ पर चला, यहाँ से चला जाएगा। ये ले जाने वाली जो वेसल होगी ये कौन होगी? आर्टरी की वेन। तो आप कहोगे आर्टरी होगी। अब ले जा रही है पूरी बॉडी में ब्लड, तो इसको भी स्पेशल नाम दे दिया जाए, तो इसलिए इसका स्पेशल नाम ऑर्टा होता है। क्या होता है? ऑर्टा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पूरा फंक्शन मैंने बताने की कोशिश की है समझ आया होगा। जरा सा आप यहाँ पर, मैं चलिए अब देखो, मैं आपको यहाँ पर पूरा फंक्शन जो मैंने बताया वो बताता हूँ। देखिए, ऊपर से ब्लड आया, ब्लड आया तो किससे आया? वेना केवा से। यहाँ से ब्लड गया नीचे, नीचे जाने के बाद फिर हमारे पास एक आती है, फिर हमारे पास आती है एक आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी? ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड गया किसके पास? लंग्स में। लंग्स में साफ हुआ ब्लड, ब्लड साफ हुआ तो हमारे यहाँ पर आ गया, इसको हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी वेन। उसके बाद फिर हमारी बॉडी में पूरा ब्लड चला जाएगा, जिस किसके थ्रू? तो ऑर्टा के थ्रू। ये पूरा मेथड हमारी बॉडी में हमारे हर्ट का अदर वेसल्स के साथ फंक्शन हो रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ हर्ट का पूरा फंक्शन जो वेसल्स के नेम के साथ मैं आपको समझा पाया हूँगा, साउंड किस तरीके से निकलती है बता पाया हूँगा, ऑलमोस्ट हर्ट का पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर समझा पाया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हर्ट में जो हमारा जो फंक्शन हुआ, ब्लड ट्रांसफर, ब्लड का
डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट होके दोबारा से बॉडी पार्ट में पहुंचने वाली प्रोसेस आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं आगे। देखिए, ब्लड जब सर्कुलेट होता है तो अपने साथ मटेरियल्स को लेकर जाता है। मटेरियल्स का मतलब कि मान लीजिए एनर्जी को लेकर जा रहा है तो कौन, ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है तो कौन लेकर जाएगा? तो आपको बता दूं, ब्लड में तीन टाइप की सेल्स होती हैं। तीन टाइप की सेल्स का मतलब हमारे उनके पास RBC, WBC और प्लेटलेट्स होता है। RBC, WBC और प्लेटलेट्स में जो RBC है वो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, WBC फॉरेन पार्टिकल के किल का काम करती है, प्लेटलेट्स हमारे बॉडी से जो ब्लड का लॉस कम से कम हो उसमें मदद करती है। अगर बाहर निकल रहा होगा ब्लड तो पपड़ी जमा देती है, जिसको आपने सुना होगा कि क्लोटिंग हुए, ब्लड क्लोटिंग आपने वर्ड सुना होगा, तो ब्लड क्लोटिंग का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। तो हमारे ब्लड में तीन टाइप की सेल है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। और RBC का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का काम होता है, ठीक है। और साथ साथ हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन भी होता है। हीमोग्लोबिन में घुल के मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ये पूरा एक मेथड है ट्रांसपोर्ट का। उम्मीद करता हूँ ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आपको हमारी बॉडी में समझ आया होगा। हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब ब्लड एक बार जाएगा हर्ट में, फिर वहाँ से निकल के दूसरी जगह जाएगा, फिर दोबारा से हर्ट में आएगा, तो डबल सर्कुलेशन हो गया। तो हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, ध्यान रखिए, कई बार आपसे पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं रेप्टाइल्स और दूसरे जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनकी। देखिए, आपको पता है मैमल्स में तो हम लोग आते हैं, बर्ड्स के पास भी 4 चैम्बर हर्ट होता है। तो जैसा हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है ब्लड में, ब्लड का ट्रांसपोर्ट हमारे हर्ट में जो मेथड हो रहा होता है, वैसा ही बर्ड्स में भी होता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करें तो इनके पास 3 चैम्बर हर्ट होते हैं। 3 चैम्बर हर्ट का मतलब इनके पास ना कुछ इस टाइप का हर्ट है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ये लीजिए 3 चैम्बर है, 2 तो इनके पास ऑट्रियम है, 1 वेंट्रिकल है। किसके पास? रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के पास। तो इनके पास भी डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन हमारे जैसा वेल डेवलप्ड डबल सर्कुलेशन नहीं होता, ठीक है। अब बात करें फिशेस की, तो फिशेस में 2 चैम्बर हर्ट होता है। इनके पास डबल सर्कुलेशन नहीं होता, इनके पास एक बार ब्लड आएगा ऑट्रियम में, वेंट्रिकल में, और उसके बाद पूरी बॉडी में, फिर ऑट्रियम, वेंट्रिकल, फिर पूरी बॉडी, इस तरीके से होता है। तो आपको समझना चाहिए फिशेस में 2 चैम्बर हर्ट, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हर्ट, और मैमल्स और बर्ड में 4 चैम्बर हर्ट होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगर प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं, प्लांट्स में 2 स्पेशल ऑर्गन्स दिए हुए हैं। कौन कौन से, इनके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी नॉर्मल बता देता हूं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम आपको पता है पानी का ट्रांसपोर्ट रूट से अपर बॉडी ऑफ पार्ट में, अपर बॉडी ऑफ प्लांट में करता है। लेकिन अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट लीफ से अदर बॉडी पार्ट, चाहे वो नीचे बॉडी हो चाहे वो ऊपर बॉडी हो, हर जगह कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो प्लांट है, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम जाइलम करता है। जाइलम का जो काम है वो सिर्फ अपवार्ड होगा, रूट से लीफ की तरफ ये आपको ट्रांसपोर्ट करने वाला है। और दूसरा होता है फ्लोएम। फ्लोएम खाने का ट्रांसपोर्ट लीफ से अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब एक्सक्रीशन के पार्ट और साथ साथ MCQ का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।